पंजाब पुलिस ने एक 80 साला रोशन बीबी को गिरफ्तार कर लिया। उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया? एफआईआर जो है वो निहायत अजीबोगरीब है। एफआईआर है कि उसने दहशत गर्दी करने की कोशिश की है। एक 80 साला बुजुर्ग खातून जिसका नाम रोशन बीबी है, उसको जलसे में से वो इमरान खान, चाहे इस उम्र के जो लोग होते हैं वैसे भी उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि इनकी मिसाल दी जाती है कि जो ज्यादा बुजुर्ग है ना, उनकी मिसाल बच्चों सी है। उनको कायल करो, उनको राजी करो, उनके साथ बैठो, उनसे प्यार से बात करो। मगर यहां पर क्या किया गया है, एक 80 साला बुजुर्ग शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया दहशत गर्दी के मुकदमे में। ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि हमारे जो काबिल अदालतें हैं, हमारे जो काबिल तरीन जज हैं, उन्होंने रिमांड पे दे दिया, फिजिकल रिमांड पे दे दिया है उस 80 साला बुजुर्ग को कि आप इसे बरामदगी करो। यार हैरानगी है, इसमें ना कोई शर्म हया गिरफ्तार करने वालों को आया है, ना कोई शर्म हया आई है जिन्होंने रिमांड दिया है, फिजिकल रिमांड दिया है उस 80 साला खातून का। मैं इस पे बस मातम ही कर सकता हूं। और क्या कह सकते हैं कि ये इमरान खान की दुश्मनी में इस हद तक इनके अकल माउफ हो चुके हैं, इनके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। ये अपने लोगों की नफरत में कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, इससे जो हमारे ई कॉमर्स वाले हैं, जो बेचारे फाइबर पे काम कर रहे थे, अपवर्क पे काम कर रहे थे, उनका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। सिर्फ इमरान खान का सोशल मीडिया काम ना कर सके, उसके लिए उन्होंने मुल्क की बहुत बड़े आमदनी के पोर्शन को बेरोजगार कर दिया। एक तो खुद रोजगार नहीं देते, दूसरा उनको भी बेरोजगार कर दिया। साथ में आप देखो कि एक 80 साला इन्होंने चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया, अपने औरतों बुजुर्गों बच्चों की वो तजलील की जिस तरह तो शायद हम कश्मीर की मिसालें सुनते थे, कश्मीर में तो कुछ भी नहीं होता होगा जो इन्होंने पिछले 2 सालों में किया। अब जो नया रिकॉर्ड कायम किया है, ये भी इनके चेहरे पे कलंक ही रहेगा, क्योंकि यहां पे लोगों ने तो रिस्पांस देना नहीं है। अब तो जब रिमांड पूरा हो गया, अब इनको शर्म हया आनी चाहिए, कम से कम ये जाकर या अदालत या उनसे बड़े जो ना हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वो जाके पूछती तो सही इनसे, आपने 80 साल बुजुर्ग से क्या बरामद किया है, आपने क्यों उसे जेल में रखा है, उसे बरामदगी क्या हुई है, क्या 804 के कैप वाली जो ना कैप बरामद हुई है, 804 के लेबल वाली, या उससे पीटीए का झंडा बरामद हुआ है। मैं यकीनन आप लोगों को कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर होता है ना, वो तब्दील नहीं होता। हमारा जो बिहेवियर है, एटीट्यूड, तो हमारा शॉर्ट टर्म होता है, जो हम लोगों के सामने अपने आप को शोर करते हैं, शो करते हैं, बाकी जो बिहेवियर होता है लॉन्ग टर्म होता है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये लोग ना अपने घर में अपनी माँ बहनों और दादियों की इज्जत करते होंगे, जिन्होंने गिरफ्तार किया वो अपने भी माँ बाप के पिटे हुए लोग होंगे, बद दुआएं दे रहे होंगे इनको, किस किस्म की औलाद को हमने पैदा किया है। दूसरी तरफ उस जज के लिए भी, ये वो लोग हैं जिनके घर में ना बुजुर्गों की इज्जत होगी, ना बुजुर्ग कोई मकाम पाते होंगे, ये लोग उनके साथ भी यही बिहेवियर करते होंगे जो इन्होंने रोशन बीबी के साथ किया है। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।